हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में जहां मैं स्क्रैच के बारे में आपको बता रहा हूं। सो आपको ये माउस का पॉइंटर दिख रहा हो अच्छे से, जो मैं गोल गोल यहां घुमाने की कोशिश कर रहा हूं, इसे कहते हैं स्टेज। और यहां पे अगर हम लोग क्लिक करें तो यहां पे कोई भी इन बिल्ट स्प्राइट आपका अपलोड हो सकता है आपके स्क्रैच के प्रोजेक्ट में। इसके फिर अगर अपलोड कर दिए तो ठीक, नहीं तो हम लोग उसका नेक्स्ट कुछ अपना सा भी कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह के स्प्राइट के बारे में क्या जानकारी प्राप्त सकते हैं। तो यहाँ आई नाम पर एक हल्का सा छोटा सा गोल बटन है, उस पर क्लिक करने से स्प्राइट के बारे में जानकारी, नाम, उसका डायरेक्शन, और अगर स्प्राइट को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करने पे वहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कि अगर हम लोग चाहते हैं कि अपना कोई स्प्राइट इस पर अगर अपलोड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं उसको हम लोग खोजेंगे या फिर हम लोग चले जाएँगे उसको पेंट में बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने देखे राइट पेंट को खोल लिया, ओपन कर रहा हूँ पेंट को, और पेंट ओपन होने के बाद हम लोग किस तरह से उसको यूज कर सकते हैं अपना खुद का स्प्राइट बनाने के लिए। आप पेंट या वर्ड, एमएस वर्ड या कहीं भी जाके इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने अपना नाम लिख दिया हूँ साजिद, और उसके बाद मैं उसको स्निपिंग टूल, सभी कंप्यूटर या लैपटॉप में होता है स्निपिंग टूल, से मैंने उतना ही पोर्शन कट कर लेता हूँ। और कट करने बाद मैंने इसे सेव कर लिया। तो सेव कर लिया, मान लीजिए फर्स्ट नाम का मैंने इसे लिख कर इसे मैंने सेव कर लिया। ओके, सेव करने के बाद मैंने फिर से स्प्राइट ओपन किया, और जो मैंने स्प्राइट का नाम सेव किया था पेंट में, उसको मैंने फिर से जाके वहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो ये देख लीजिए, ये आ गया, और उसके बाद मैंने क्लिक किया तो देखिए मेरा नाम जो है एज ए स्प्राइट बन के इसमें आ गया। तो इससे हम लोग कुछ भी प्रोजेक्ट बना के वर्ड में उसके बाद हम लोग यूज कर सकते हैं। ओके, अब हम इवेंट में जा रहे हैं, इवेंट से वहाँ वेन क्लिक का ब्लॉक लिए हैं, फिर उसके बाद इफ़ एंड एल्स का यूज करना चाह रहे हैं, या फिर देखिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फिर से सेंसिंग में। सेंसिंग में जाने पे फिर मैंने वहाँ से चूज़ किया, ड्रैग करके ले गए आस्क, तो उसके बाद फिर ले गए ऑपरेटर में। अगर आस्क का जो आंसर आएगा इक्वल टू साइन करेंगे, तो यहाँ आस्क का जो आंसर वहाँ पे ले जाके पुट किए, और इक्वल टू में आर का जो वहाँ पे क्वेश्चन वहाँ पे पुट करेंगे, सपोज व्हाट इज इक्वल टू 2 प्लस 2, तो वहाँ पे हम लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं व्हाट इज इक्वल टू 2 प्लस 2, और उसका जो आंसर होगा वो देखिएगा ग्रीन रंग का जो है ऑपरेटर, उसमें आंसर है, और आंसर का बीच में जो खाली जगह एक ठो दिख रहा है, तो वहाँ पे हम लोग को इस क्वेश्चन का आंसर पुट करना पड़ेगा। अब हम लोग देख सकते हैं कि फिर से गए इवेंट में, और जाके वहाँ पे इफ़ और एल्स वाला ऑपरेटर लिया, और जो ग्रीन रंग का ऑपरेटर था उसमें पुट कर दिए। उसके बाद फिर हम चले गए सेंसिंग में, वहाँ पे से वाला ऑप्शन लिए, उसको इफ़ में डालें, और वहाँ पे फिर उसको डुप्लीकेट करके और उसमें लिख दिए वेरी गुड। अगर उसका आंसर सही आएगा तो वो शो करेगा वेरी गुड, और अगर उसका आंसर अगर रॉन्ग आएगा तो वो हो जाएगा एल्स में ट्राई अगेन। अगर हम लोग उसे देखें कि ग्रीन कलर के ऊपर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है, और अगर वहाँ पे हम लोग आंसर पुट करते हैं 3 तो पूछेगा, बोलेगा ट्राई अगेन, लेकिन बाद में फिर कुछ हो नहीं रहा, तो हम लोग उसमें एक लूप डालने की कोशिश करें। देखिए फॉर एवर लूप उसमें हम लोग डाल दिए। अब उस पर क्लिक करे पे जब फिर से क्वेश्चन पूछ रहा है, फिर से मान लीजिए आंसर उसको दिए, तो फिर ट्राई अगेन होने के बाद फिर से वो क्वेश्चन रिपीट होगा, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेगा। आइए अब इसको हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यूज कर सकते हैं यूजिंग ब्रॉडकास्ट। करने के लिए हमें ये लूप हटा देना होगा, और वहाँ पे ऑप्शन में जाना होगा इवेंट में, और इवेंट में जाने पे वहाँ पे लेना होगा ब्रॉडकास्ट। वहाँ देखिए पहले से न्यू मैसेज है, वहाँ पे एडिट करके सपोज हम न्यू मैसेज कुछ भी टाइप कर सकते हैं, सपोज मैंने टाइप किया फर्स्ट, ओके, तो ये ब्रॉडकास्ट करेगा कब, जब गलत होगा तब। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, अब इसको क्या किया है बाहर पे क्लिक करके डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसे मैंने डुप्लीकेट किया, और फिर से यह जो रिसीव वाला ऑप्शन है व्हेन रिसीव फर्स्ट, अब देखिए इसको ले गए फर्स्ट में, तो अब क्या होगा वहाँ से जब गलत आंसर या आएगा तो ये फिर से ब्रॉडकास्ट करेगा मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन में,
यहाँ पे देखिए फिर से ब्रॉडकास्ट में गए, फिर यहाँ पे सेकंड टाइप किए, और जब ये क्लिक करेंगे तो ये फिर से डुप्लीकेट कर लिए, और वहाँ पे फिर देखिए जहाँ पे था फर्स्ट वहाँ सेकंड कर दीजिए, और यहाँ आंसर क्वेश्चन चेंज करके वहाँ पे क्वेश्चन हम चेंज कर रहे हैं। चेंज करने के बाद वहाँ पे हम देखिए ब्रैकेट लेके आ गए हैं और आंसर को चेंज कर दिए टू में, और यहाँ ब्रॉडकास्ट की जगह पे देखिए जो गलत होगा तो फिर से लूप में जाएगा, और सही होगा तो फिर से नया ब्रॉडकास्ट होगा, जिसे मान लीजिए लिख दिए थर्ड, तो थर्ड में जाने पे फिर से ये नया ब्रॉडकास्ट होगा। फिर इसको डुप्लीकेट कर दिए, और डुप्लीकेट करके वहाँ पे फिर से ले जाएंगे, क्वेश्चन फिर से चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे नया क्वेश्चन पुट कर दे रहे, नया क्वेश्चन देख सकते हैं। वहाँ पे नया क्वेश्चन पुट करने के बाद वहाँ पे मैंने फिर से आंसर पुट कर दिया, तो इसी तरह से एक तो लूप बन के नया क्वेश्चन भी आएगा, गलत होने से वही क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा। तो वहाँ देखिए जो फर्स्ट स्टेप में है तो वहाँ पे भी हमको एक ब्रॉडकास्ट लाना पड़ेगा, तो इसी तरह से ना ब्रॉडकास्ट का यूज करके डिफरेंट क्विज बना सकते हैं स्क्रैच में, किसी भी टॉपिक किसी भी चैप्टर। ये हम लोग देखते हैं कि ये गेम कैसे मैंने क्रिएट किया, जहाँ पे हवाई जहाज उड़ रहा है, जो बिल्डिंग से टकरा रहा है तो उसका लाइफ घट रहा है, बैट से टकरा रहा है तो उसका लाइफ घट रहा है, और हार्ट को लेने से उसका स्कोर बढ़ रहा है। तो इसके लिए मैंने आपके लिए टास्क रखा है, जो मैं नेक्स्ट में आपको दिखाने जा रहा हूँ ये किस तरह से क्रिएट हो सकता है। आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये सब चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए स्टोर किया गूगल क्रोम खोल के, वहाँ टाइप किया scratch.mit.edu, तो ये जो scratch.mit.edu है ये ऑनलाइन एक सर्वर है, जहाँ पे हम लोग अपने जितने भी स्क्रैच के प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे हम लोग बना करके उसको शेयर कर सकते हैं। तो वो देखने में कैसा दिखेगा आइए देखें। तो ये आपका स्क्रैच ओपन हो गया ऑनलाइन सर्वर, और इसमें हम लोग अपना खन्ना हाई स्कूल का ही बना हुआ है पेज, और यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑलरेडी स्टोर किए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने चाहता हूँ कि ये किस तरह से यूज होता है वो उसके बताएं। ये एक्चुअली आपका स्क्रैच 3 है, न्यू वर्सन ऑफ स्क्रैच, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जहाँ पे यहाँ बहुत सारे आपके कोड्स हैं, जो वहाँ पे इवेंट्स थे यहाँ पे कोड हो गए हैं, यहाँ पे सेंसिंग है, उसके बाद आपका से है, इवेंट है, ऑपरेटर्स हैं और ग्रीन कलर के ऑपरेटर्स हैं, फिर आपका वेरिएबल्स हैं, फिर ब्लॉक्स हैं, तो और ये वाला जो एरिया है वो गया स्क्रैच का, उसको हम लोग वहाँ पे छोटा कर सकते हैं, और छोटा करने के बाद यहाँ पे हम लोग एक आपके लिए टास्क वहाँ पे देखिएगा एडिट कर रहे हैं, एडिट करके उसका नाम लिख दिया टास्क 1। तो इस तरह से ये स्क्रैच ऑनलाइन स्क्रैच का एक डेमो है। उसको अगर नीचे हम ले जाएं माउस को वहाँ पे क्लिक करने से हम लोग वहाँ पे नया स्प्राइट अपलोड कर सकते हैं, जैसे आपका स्क्रैच 2 में किए थे, ये आपका स्क्रैच डेस्कटॉप है। इस तरह से हम लोग स्क्रैच 3 या स्क्रैच डेस्कटॉप में भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और आप लोग के लिए एक टास्क है, इसको यहाँ पे एक प्रोजेक्ट अपना बना के दिखाइए, क्विज बना के दिखाइएगा। ओके, अब लिंक दे रहे हैं हम आपको, और एक क्विज बनाइए। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉयिंग एंड लर्निंग।